बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, एक्विट अंडर ट्रायल में आपका इस्तकबाल है। आज हम कर्नाटका हाई कोर्ट के एक फैसले पर बात करेंगे कि किस तरह से कर्नाटक पुलिस ने निंगा राजू शख्स को गिरफ्तार किया और अदालत के हुक्म के बाद उसे रिहा किया गया। मामला है कर्नाटक की एक कंपनी के दिवालियेपन का। निंगा राजू एन नाम के एक शख्स के खिलाफ पुलिस वारंट जारी करती है और पुलिस निंगा राजू को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के वक्त पुलिस के सामने निंगा राजू ये कहते हैं कि ये वो शख्स मैं नहीं हूँ बल्कि कोई और है जो उस कंपनी का एक्स डायरेक्टर है। लेकिन पुलिस कहती है कि उस एक्स डायरेक्टर के बाप का नाम और तुम्हारे बाप का नाम सेम है, इसलिए पुलिस उन्हें उस केस में गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश करती है। निंगा राजू अदालत में अर्जी फाइल करते हैं और कहते हैं कि पुलिस ने रॉन्गफुल आइडेंटिफिकेशन की बुनियाद पर उन्हें गिरफ्तार किया है, इसलिए उनके खिलाफ बनाए हुए केस को अदालत ख़त्म करे। मामले की सुनवाई के बाद जब ये बात सामने आती है कि वाकई पुलिस ने निंगा राजू को गलत आइडेंटिफिकेशन की बुनियाद पर गिरफ्तार किया है तो अदालत पुलिस की खूब सरजनश करती है। अदालत पुलिस से पूछती है कि बाप का नाम सेम होने की बुनियाद पर पुलिस किसी बेगुनाह को कैसे गिरफ्तार कर सकती है। कल को अगर किसी के खिलाफ वारंट जारी होता है और उसके भाई का या उसकी बहन के बाप का नाम भी सेम है तो क्या उस बुनियाद पर पुलिस किसी मुजरिम के भाई को या बहन को गिरफ्तार करेगी। अदालत ने पुलिस को कहा कि जब भी किसी शख्स के खिलाफ वारंट जारी किया जाए तो पुलिस को इस बात की तस्दीक कर लेना चाहिए कि जिसे पकड़ा जा रहा है वही शख्स है जिसके खिलाफ वारंट जारी किया गया है, बल्कि किसी बेगुनाह को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। अदालत ने कहा कि निंगा राजू को गिरफ्तार करके पुलिस ने ना सिर्फ उसकी आज़ादी और शख्सी आज़ादी पर शब खून मारा है बल्कि उसको समाज में बदनाम भी किया है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 21 का खुला वायलेशन है। अदालत ने सवाल उठाया है कि क्या गिरफ्तारी के वक्त किस तरह के स्टेप्स और प्रोसीजर अपनाने चाहिए। इस बारे में हुकूमत कर्नाटक या कर्नाटक पुलिस ने कोई गाइडलाइंस जारी किया है या नहीं, अगर नहीं जारी किया है तो अदालत ने डायरेक्टर जनरल ऑफ कर्नाटका पुलिस को ऑर्डर दिया है कि वो इस सिलसिले में पुलिस को गाइडलाइंस जारी करे और उन्हें आगाह करे कि गिरफ्तार करते वक्त किसी बेगुनाह को गिरफ्तार ना किया जाए। अदालत ने हुक्म दिया है कि चूंकि निंगा राजू को गलत केस में गिरफ्तार करके उसको बदनाम किया गया है और उसकी शख्सी आज़ादी पर हमला किया गया है, इसलिए हुकूमत निंगा राजू को 5 लाख रुपए मुआवजा दे 2 महीने के अंदर। और अदालत ने हुकूमत को ये भी लिबर्टी दी है कि वो ये रकम उस पुलिस ऑफिसर से हासिल करे जिसने निंगा राजू को गिरफ्तार किया था। अदालत ने ये भी हुक्म दिया है कि जो गाइडलाइंस जारी करने के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को हुक्म दिया गया है उस पर अमलदारी हुई है या नहीं है, इसलिए अगले महीने फिर इस केस की सुनवाई रखी गई है। सवाल यह है कि हमारी पुलिस क्यों इस तरह से बेगुनाहों को गिरफ्तार करती है और क्रॉस चेक किए बगैर, आइडेंटिफिकेशन को चेक किए बगैर गलत लोगों को गलत केस में फंसाती है। इस तरह के मामले आए दिन आप सुनते रहते हैं। हमारी पुलिस को चाहिए कि इस तरह की गलत कार्रवाई से बाज रहे। अगर आप ये जजमेंट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। इस वीडियो पर ज़रूर कमेंट करें और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के मजीद वीडियो बनाए जाए तो ज़रूर आपकी आराम से आगाह करें। शुक्रिया।